गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिकर। आज हमने शुरू करना भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसेस। देखो प्राइसेस के ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोई मार्केट प्राइस होती है, कोई बुक वैल्यू होती है, कोई रियलाइजेबल प्राइस है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है, ये सारी चीजें क्या होती है। आज हम ना बिल्कुल एक छोटे छोटे टर्म को या फिर हम कहें एक एक प्राइस के बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में कहीं भी आ जाए कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस कहीं भी हमें दिखे तो हम कंफ्यूज ना हो और हमें डायरेक्ट समझ आ जाए कि भाई ये सामने वाला बंदा हमें क्या कहना चाह रहा है। या फिर अब हम वैल्यूएशन की जो टेक्निक कर रहे हैं या फिर कहें कि वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं तो उसके अंदर इन टर्म्स का यूज होने वाला है कि एसेट्स किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होने चाहिए, मार्केट वैल्यू पे या फिर कॉस्ट वैल्यू पे। ठीक है, फिक्स एसेट्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करना है, तो वैल्यू का वहां पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इससे अच्छा पहले आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसेस आज मैं कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले प्राइस आता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कहता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आप कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस का हमें पता है, कॉस्ट का मतलब यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितनी कॉस्ट हमारे एसेट्स पे आई। जैसे हम मार्केट में गए, मार्केट में हमने एक मशीनरी लेनी थी, मशीनरी देखी, हमने देखा भाई 1,00,000 रुपए की मशीनरी, हमने कहा ठीक है हमने वो परचेज कर ले। उसके बाद हम उसे अपने घर तक लेके आए, ठीक है, कार्टेज का एक्सपेंसेस लगे, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल कराने लगे। तो आपको पता है ना जो इंस्टॉलमेंट का खर्चा आता है, कार्टेज का एक्सपेंस होता है, वो कैसा कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल नेचर का होता है। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किस में ऐड करते हैं, कॉस्ट के अंदर ही ऐड करते हैं। तो जब हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस कॉस्ट पे हमने वो मशीनरी परचेज की प्लस में जितने भी एक्सपेंसेस हमारे, जब तक मशीनरी हमारी रन नहीं होने लगी यानी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ गई, तब तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस किस में आ जाएंगे, कॉस्ट प्राइस में। पेड कॉस्ट प्राइस पेड व्हाइल परचेजिंग द एसेट, जब हम किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं जैसे कि हमने मशीनरी परचेज की, कॉस्ट प्राइस ऑल्सो इंक्लूड, कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड होगा ऑल सच एक्सपेंसेस व्हिच वर इनकर्ड ऑन द इंस्टॉलेशन डे, जब इनकर्ड हुए जितने भी एक्सपेंसेस, चाहे वो कार्टेज एक्सपेंसेस है या फिर इंस्टॉलमेंट चार्जेस है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको मशीनरी का, आपने मशीनरी परचेज की 1,00,000 की, फिर आपको कार्टेज एक्सपेंसेस लगे 1,000, उसके बाद इंस्टॉलमेंट एक्सपेंसेस फिर से 1,000 लगे, तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 1,00,000 प्लस में 2,000, इट्स ओके। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस वो प्राइस ऑफ द एसेट्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट ऑन द पर्टिकुलर डेट, जिस पर्टिकुलर डेट को आपने वो एसेट्स यानी कि आपने रिकॉर्ड करके रख रखी है कि भाई 1,00,000 की हमारी मशीनरी है, ठीक है, तो मार्केट में उसका प्राइस कितना चल रहा है, वही सेम मशीनरी मार्केट में कितने प्राइस पे अवेलेबल है, तो जिस प्राइस पे वो जिस पर्टिकुलर डेट को वो मार्केट में जिस वैल्यू पे चल रहा है, यानी कि अगर मार्केट में उसकी जो मशीनरी आपने रिकॉर्ड की उसकी 1,00,000 है, ठीक है, वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर एसेट की मार्केट में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी पर्टिकुलर एसेट्स हमारा मार्केट में इस प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है, सेम मशीनरी यहाँ पे हमारे मार्केट में मिल जाएगी इतने पैसे, तो वो क्या हो जाएगी हमारा मार्केट प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू होते हैं जो आपने अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करके रख रखे कि भाई पर्टिकुलर मशीनरी 1,00,000, प्लांट हमारा 2,00,000, तो जो आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके रख ली वो हमारी क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू। लिखा ना वैल्यू एट विच एसेट्स शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने वैल्यू को शो किया एसेट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो वैल्यू शो की है अपने एसेट्स की उसको हम क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू कौन से वैल्यू होते हैं, वैल्यू रिमेंस आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो वैल्यू हमारे एसेट्स की उसके अंदर हम जब डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो बची वैल्यू को, यानी हम उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न मेथड भी होता है ना जो हम फॉलो करते हैं, और गोइंग कंसर्न वैल्यू वही हो जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन, चाहे हम ओरिजिनल कॉस्ट से लगा रहे हैं या फिर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगा रहे हैं, तो हर साल जो वैल्यू होती है हमारी पर्टिकुलर एसेट की उस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से या फिर वैल्यू ऑफ एसेट्स में से जब हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो जो बच जाते हैं उस वैल्यू को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न वैल्यू, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर फिर आगे बच जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर हम उस पर लगाएंगे अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो बची हुई अमाउंट है डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद, तो नेक्स्ट ईयर उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न वैल्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू रियलाइज बाय सेलिंग एनी एसेट इन द मार्केट, कोई भी एसेट आपने मार्केट में बेच दिया और आपको जो रियलाइज हुआ, जितने पैसे आपको मिले, जो प्राइस आपको मिला, वो क्या हो जाएगा हमारा रियलाइज्ड वैल्यू। कैसे, आप कहोगे कि मार्केट प्राइस एंड रियलाइजेबल वैल्यू सेम तो है, मार्केट में इसी प्राइस पे चल रहे हमने बेच दिया। अच्छा जी, ऐसा कभी होता है मार्केट में जिस प्राइस पे चल रहा हो क्या आप अपने पुराने एसेट को उसी प्राइस पे बेच सकते हो, नहीं बेच सकते। जब आप पुराने एसेट को बेचोगे तो वो कुछ डिस्काउंट काटेगा, ठीक है, आपको जो मिला ना पैसा, आप समझ लेना आपको जितना मिल रहा है वो रियलाइजेबल वैल्यू है। यानी आपने 1,00,000 रुपए की मशीनरी बेची, आपको मिली 80,000, तो 80,000 वो क्या आपके रियलाइजेबल वैल्यू।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जब आप पुराने एसेट्स को नई एसेट्स में कन्वर्ट करा रहे हो, नई एसेट्स ले रहे हो पुराने एसेट्स के बदले में, जितना भी एक्सपेंडिचर लगा वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर हमारा किससे कवर करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिप्लेसिंग एनी ओल्ड एसेट्स विद न्यू वन। नया वन एसेट्स लेने के लिए हमने पुराने वन को जो बेचना पड़ा, चेंज करना पड़ा, जितनी भी कॉस्ट आए, जितना भी एक्सपेंडिचर आया, वो हो जाएगा हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, एंड लास्ट पॉइंट हमारा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? बचे कुछ वैल्यू, यानी कि बहुत बार के हमने पूरा यूज कर लिया मशीनरी को, 1 लाख की मशीनरी लेके आया, सोचा था 10 साल तक चल जाएगी, चल भी गई 10 साल तक, उसके बाद भी लोहा पुराना फर्नीचर कुछ कुछ बच गया, और उसको बेच के जब हम आए तो हमें बचे 5,000 रुपए। तो जो 5,000 रुपए हमारे बचे वो हमारी क्या हो जाएगी? स्क्रैप वैल्यू, बची कुछ अमाउंट, यानी कि हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया उस एसेट का, उसके बाद भी उसकी वैल्यू कितनी बच गई, वो वैल्यू क्या होगी? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो आज हमने स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसेस। होप यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।